आसानी से ओपन हो गया है। और ये देख सकते हैं हमारा फाइनल कैमरा ये है, जो कि फिलहाल किस इस तरह दिखता है, ब्लैक कलर में देख सकते हैं आप। और ये वाटरप्रूफ केस में आता है, और यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ये ऑन का है, ये फिलहाल ऑन कर दिया मैंने, देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो गया है। और ऊपर बटन है कैमरा खींचने का, साइड में भी बटन है। इसके फीचर सारे आपको चलते चलते बाइक राइडिंग करते समय बताएंगे दोस्त। फिलहाल इसको हम बंद करते हैं, और बंद करके इसमें और भी प्रोडक्ट हैं जो कि इसके मैनुअल में दिखा रखा है। कुछ ऐसा दिखता है इसका कवर, और इसमें देख सकते हैं साइकिलिंग पहाड़िंग बर्फीले एरिया पे, या इसमें कुछ एयरोप्लेन में भी, वाटर में, शिप में, जहाँ भी जा सकते हैं। और देख सकते हैं 4K 60 FPS पे काम करता है। और ये हमारा बैक में इसका, और ये हमारा जो कि आप देख सकते हैं, ये फिलहाल ये वाला कैरम है, ये आईफोन ऐप, ये जो कि एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, एप्पल के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। और इसको स्कैन करके ऐप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 FPS पे 1080 पिक्सल में खेल सकते हैं इसको, 370 डायरेक्शन में होता है इसका वीडियो शूटिंग। और ये वाटर केस का इसका दिखा रखा है वाटरप्रूफ, जो कि 30 मिनट तक, आधा घंटा तक, या समझ लिया आधा 30 मीटर तक का प्रेशर झेल सकता है। और ये हमारा बैक साइड का है, जो कि देख सकते हैं। और फिलहाल मैं दोस्तों इसका, मैं इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इसमें हमारे कैमरे के साथ ही मिला है, और देख सकते हैं ये हमारा मेन कैमरा है, और इसके साथ ये सारे हैं जो कि टूल, जो कि हर अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा ब्लॉगिंग स्टैंड है, और ये रिमोट, ये बाइक पे टाइट बांधने के लिए है, ये सब जो कि हेलमेट में चिपका के, ये चार्जिंग केबल, ये हैंडल बार में बांधने के लिए है हमारा। इस केस का दूसरा ढक्कन है, ये माइक, ये ब्लॉगिंग के लिए, ये साफ़ करने के लिए, स्क्रीन साफ़ करने के लिए, सब जो अटैचमेंट है ये सारे देख सकते हैं। इतने इसमें ये चार्ज दिए हैं, और साथ में ये देख सकते हैं इधर, ये दूसरे कंपनी के माइक यूज करने के लिए दे रखा है इसमें। और ये जो कि सेम इसी तरह है, ढेर सारे ये सब है जो कि चेस्ट पर बांध के ब्लॉगिंग जो करते हैं पहाड़ों में उसके लिए। और देख सकते हैं दोस्त, आपको अपनी इस कैमरे की फीचर दिखाते हैं, ऑन हमने कर लिया, ये देख सकते हैं ऑन हो गया है। और देख सकते हैं आप जो कि इस तरह पूरा इसका दिख रहा है, और इसमें एक फीचर नहीं, बहुत सारे फीचर हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने वीडियो शूटिंग कर रखा है, जो ये हमने थोड़ा वीडियो शूट किया था, ये देख सकते हैं चालू हो गया। यहाँ से बैक, और यहाँ क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी 4K में शूट होता है इसमें अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम फोटो भी देख सकते हैं, इनकी इतने सारे मोड हैं, वीडियो स्लो मोड, लूप वीडियो की, फोटो ऑटो मोड है, ये सारे इतने टाइम मोड इतने सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी 16 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 13, 16, 20, 24, लास्ट 24 हाईस्ट तक हम कर सकते हैं, जो कि मैं फिलहाल 24 पे ही कर रखता हूँ। और ये देख सकते हैं डायरेक्शन के लिए है, वाइप ले ऑटो, ये सारे फीचर इसमें हैं। ये है ISO, जो कि ऑटो मोड पर रखा है, ऑटो खुद अपना ये जैसा होता है अपना इस्तेमाल करता है, वाटर अकाउंट है सब। और फिलहाल दोस्त और भी फीचर है इसमें देख सकते हैं, और फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो यहाँ वाईफाई कनेक्शन के लिए भी है, वाईफाई ऑन करने के लिए करो ऐसे, यहाँ ऑन कर दो, ये पासवर्ड सो जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड सो जाता है, और पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐप आता है, जो कि अपना इसी की कंपनी का बार कोड एक देता है बॉक्स में, उसमें से इस्तेमाल करके इसको हम कर सकते हैं। और भी फीचर है इसमें देख सकते हैं, लाइट फिक्स, LED स्क्रीन, ऑटो स्क्रीन सेवर, और इसका टच बहुत स्मूथ चलता है दोस्त, जो कि
कार मोड भी इसमें है। लैंग्वेज का डेट टाइम अपना डाल सकते हैं, डेट टाइम सेटिंग सेटिंग फॉर्मेट सब। और यहाँ पे यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बटन दे रखा है जो कि देख सकते हैं इसी बटन से ऑन भी होता है वो भी होता है, और वीडियो और फोटो मोड पे दोनों मोड पे आता है। यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, एंटर सारा। और ये साइड में दे रखा है फोकस के लिए, फोकस कर सकते हैं इसे, जैसे कि देख सकते हैं आप। मैं ये बटन दबा के और इसको फोकस में लाता हूँ, देख सकते हैं फोकस में आ रहा है। 4x जूम है ये, इसमें है 4x जूम तक जा सकता है, देख सकते हैं आप। और पूरा आपको जूम करके 4x जूम तक करके दिखा दिया आपको मैंने। और नीचे वाले से ही डाउन करके इसको फोकस से हटा सकते हैं, जूम कम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको एक पे रखते हैं और देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा कैमरा है और इसका 4K मैक्स शूटिंग कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये ब्लॉगिंग कैमरा। और फिलहाल जो कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने अपनी निशानी के लिए दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपना साबित करने के लिए। यहाँ पे हम SD कार्ड लगा सकते हैं, SD कार्ड ये माइक के लिए है, और चार्जिंग इसी से होता है, माइक भी अटैच इसी में होता है। और ये देख सकते हैं हमारा SD कार्ड है जो कि हमने इसी के साथ मंगवाया था, ये देख सकते हैं SD कार्ड हम निकाल दिया इसका, ये SD कार्ड है। क्योंकि 128 GB का है सेंटेक्स का, और हम को यही सब इसी में सपोर्ट करता है, और दूसरे कंपनी का हमने लिया भी है साथ में, इसी के साथ हमने इसको भी ले लिया था, परचेज कर लिया था दोनों को एक साथ ही। और फिलहाल देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ चलता है, आपको इसकी वीडियो क्वालिटी भी दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। और इसमें फ़ोटो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया दोस्त, और आपको दिखा सकते हैं फोटो इसका, देख सकते हैं इसका फोटो कितना क्लियर आया है। दोस्तों मैं इससे कोई ना मैंने पैसे लिए हैं जो कि मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, ये फ़िलहाल मैंने मंगवाया है। तो आप सभी फैमिली को मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने ख़रीदा है, और मेरा कोई इस कंपनी ने मुझे पेमेंट नहीं किया जो कि मैं प्रचार उस कंपनी का कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने इसको परचेज़ किया है, और अपने गाइडिंग वीडियो के लिए थोड़ा बढ़िया इम्प्रूवमेंट ला सकूँ वीडियो में, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। और इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है और अच्छा लगा, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर जिसको लेना है वो लिंक से जाकर उसे देख सकते हैं। हमारा राइडिंग पूरा राइडिंग कैमरा तैयार हो चुका है ब्लॉगिंग के लिए, और ये हमारा हेलमेट आप देख सकते हैं पूरा साइड में, ये हमारा कैमरा रेडी है, और हमने माइक भी इनबिल्ट माइक भी लगा दिया इसके अंदर, सब कुछ रेडी। फाइनली टचअप हमारा देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं, और ये हमारा पूरा सेटअप। और चलते हैं, चलो बैठो, हाँ बैठो, ये हमारा घर से निकल चुका है।